दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को हमारा सलाम। हमारे इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है और शहदा की कुर्बानियों को कभी बुलाया नहीं जा सकता। वतन के मुहाफिज और उनकी बहादुरी को सलाम। हमारी आज़ादी पाक फौज की कुर्बानियों की मरहून मन्नत है। हमें पाक फौज की कुर्बानियों पर फख्र है। हमारे मुहाफिजों की कुर्बानियों का सिला हमारा महफूज मुस्तकबिल है। वतन की दिफा के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। दिफाए वतन से ही वतन की दिफा है। दिफाए वतन बकाए वतन। 6 सितंबर का दिन 1965 की जंग को ताज़ा करता है और 1965 की जंग में हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने हम पर जब हमला किया तो हमारी शेर दिल जवानों ने डट के मुकाबला किया और उनके नापाक इरादे को खाक में मिलाया। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदाओं को मेरा सलाम। हमारा इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शहदा की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जाएगा। वतन के मुहाफिजों की बहादुरी को सलाम। हमारी आज़ादी पाक फौज की कुर्बानियों की मरहूम मन्नत है। हमें पाक फौज की कुर्बानियों पर फख्र है। हमारे मुहाफिजों की कुर्बानियों का सिला हमारा महफूज मुस्तकबिल है। वतन की दिफा के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। दिफाए वतन से ही वतन की बका है। दिफाए वतन बकाए वतन। वतन अजीज के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले ये राह हक के शहीद हैं और इन्हें पूरी कौम सलाम पेश करती है। ये शहीद जो हैं ये इस दुनिया से नहीं गए, ये हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात है। इस दिन के मौके पर हमें अपने शहदा को याद रखना चाहिए और जिन्होंने वतन अजीज के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और जिनकी वजह से ये मुल्क ये कौम सलामत है। 6 सितंबर 1965 ईस्वी को हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे मुल्क पर हमला किया था, जिसमें हमारे पाक फौज के जवानों ने अपनी जानें देकर दुश्मनों की चालों को नाकाम कर दिया था। आज भी पाक फौज हमेशा अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं।